आपको बताते हैं, इंदौर पहुंचे IIMC नई दिल्ली के महानिदेशक संजय द्विवेदी ने सोशल मीडिया को लेकर क्या कहा है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जीवित रहने के लिए कुछ भी चीजों की जरूरत होती है तो मानव किसी भी तरह से उसे प्राप्त करने के लिए जुट जाता है। ठीक इसी तरह सोशल मीडिया की जरूरत महसूस की गई है और लोगों को आपस में जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर का निर्माण किया गया है, ताकि एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को साझा कर सकें, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें। लेकिन ठीक इसके विपरीत यह समाज में विसंगति पैदा कर रही है। ये बातें मुख्य अतिथि भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने मीडिया साक्षरता की आवश्यकता क्यों विषय पर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययन शाला विभाग में आयोजित स्वराज अमृत महोत्सव व्याख्यान के तहत कही है। प्रोफेसर द्विवेदी ने आगे कहा कि मीडिया साक्षरता अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। बिना मीडिया के किसी का जीवन नहीं चल सकता है। प्रोफेसर ने कहा कि बहुत से लोगों के पास टेलीविजन और रेडियो तो नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन हर किसी के पास है और यह मोबाइल किसी अलाउद्दीन के चिराग से कम नहीं है। इसी में सारा मीडिया एकत्रित है, लेकिन इस बात का ध्यान देना होगा कि यह मोबाइल वरदान के साथ साथ अभिशाप भी बन चुका है। सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना तो एकत्रित हो जाती है, लेकिन चुनाव करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी सूचना सही है या गलत। स्टेट फॉर हिस्ट्री एजुकेशन ग्रुप के रिपोर्ट के मुताबिक 80% छात्र विज्ञापन और खबर में अंतर नहीं समझ पाते हैं। यह बात लोगों को समझना होगा कि सूचना तो हर कोई दे सकता है, लेकिन न्यूज पत्रकार ही देता है। जब हम सूचना की बात करते हैं तो उसे इन्फॉर्मेशन कहेंगे, पत्रकार नहीं। ठीक उसी तरह जैसे पुलिस का मुखबिर होता है, पत्रकार हमेशा खबर को प्रोसेस और तथ्यों के साथ परोसता है। पूरी दुनिया में एक साल में 37.06 करोड़ लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यानी 60% ज़्यादा इजाफा हुआ है। डाटा रिपोर्ट के अनुसार औसतन हर दिन 10 लाख यूजर यानी हर सेकंड में 12 यूजर जुड़ रहे हैं। एक व्यक्ति सोशल मीडिया में 2 घंटे 22 मिनट का समय हर दिन देता है। यदि हर यूजर का समय जोड़ा जाए तो एक दिन में 10 लाख साल के समय के बराबर एक दिन में सोशल मीडिया पर लोग समय दे रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, लेकिन अच्छा कंटेंट के साथ साथ बेहतर संवाद भी होना बेहद जरूरी है। इंडिया डिजिटल फ्यूचर के रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत में 500 मिलियन से ज्यादा भारतीय भाषा में इंटरनेट का यूज करने वाले होंगे और हिंदी कंटेंट के लिए भुगतान भी करने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए मीडिया के स्टूडेंट्स के नाते हर खबर को शुद्धता और तथ्यों के साथ भारतीय भाषा में परोसे। मोबाइल अपने आप में मीडिया कन्वर्जेंस की जगह पर है और अपने आप में जादू की गुड़िया है, अलादीन का चराग है। जो चाहोगे आपको यहाँ मिलेगा।